सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आप थोड़ा लेट हो गया उसको उठने में आज, बस जल्दी जल्दी बस ऑफिस से मैं भाग रहा हूँ आज। अब और हाँ, मैंने आप लोग बताया कि मैं क्या करता हूँ खड़गपुर में। इसलिए मैं खड़गपुर में रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एक्ट अप्रेंटिस बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है एक साल की, जो ITI करने के बाद आपको प्रोवाइड होती है। एंड आज मैं आप लोग दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या काम होता है, और मेरी ट्रेड के बारे में बताऊंगा और मेरी कुछ। ये आप देख रहे पूरा, ये पूरी इसको सिक लाइन बोलते हैं हम लोग। बेसिकली सिक लाइन ओपन लाइन होती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही काम होता है। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा संभल कर लूँगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है अभी काम से। बेसिकली मतलब कि यहाँ पे रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनको सही से लगा जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पे सब खुदाई उदाई होकर रखी हुई है, खुदाई होकर रखी हुई है। गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई हैं, सारी बोगियाँ ऐसे खड़ी हुई हैं। तो आज देखते हैं कितना काम है हमारे यहाँ, क्योंकि कल तो काम था नहीं। ये सब आप ऐसे पूरा देखिए, पूरा ये हुआ। देखा आपने, और देखते ही आप कट कट मिलते हैं ना हम लोग। मैं आपको दिखाता हूँ शेड के अंदर कैसा माहौल है। शेड के अंदर का माहौल, गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज देखता हूँ कितनी गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या काम गाड़ियों में होता है। बेसिकली मेरा काम तो टर्नर का है, मैं व्हील SWL लेथ मशीन चलाता हूँ, उसका भी एक दिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरा पूरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा नाश्ता वास्ता करने। एक्चुअली सुबह जल्दी आना पड़ता है ना, तो कुछ खा के ना आ पाऊँ। बस कैंटीन में भी कुछ सही ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता वहाँ पे, इसलिए मैं जा रहा हूँ इडली खाने। अभी जाऊँगा मैं थोड़ा खा पी के फिर वापस आऊँगा। एक्चुअली मैं क्या है ना, भूख लग जाती है यार, बहुत भूख लग जाती है। सुबह 6 बजे आओ, 6 बजे से अभी तक बिना कुछ खाए, कैंटीन में 8 बजे तक खुलती है, तो इसीलिए कुछ खाना चाहिए। काम है थोड़ा प्रेशर वाला इसीलिए। बाकी देखिए ट्रेन में, पीछे एक ट्रेन आ रही है शायद कहीं जाएगी, और एक और ट्रेन शायद लो अंदर जा रही है, ये यार्ड में आके खड़ी होगी। ये ट्रेन है, ये देखिए यार्ड में जाके खड़ी होगी ये आपका। ये लोकोमोटिव देखिए आप, नया लोकोमोटिव है ये इधर, ये लोकोमोटिव जा रहा है, जो नया लोकोमोटिव है दिखा आप लोगों को। नहीं ये आ रहा लोकोमोटिव आपका, ये एक नया इंजन आया, ये मैंने भी यहीं पे देखा, काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली में ये लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हमें हमेशा डबल इंजन लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक आपका डीजल वाला, ताकि कहीं पहाड़ी एरिया में फेल ना हो पाए इंजन। कंप्रेसर मशीन देख सकते, कंप्रेसर इससे पास हो के इससे लकीरों से जाता है, तब जाके इस पाइप में आता है। ये पाइप मैं दिखाता हूँ आज आपको, मैं अपनी मशीन दिखाता हूँ इसमें मैं काम करता हूँ। इस मशीन पे जो मशीन होती है लेथ मशीन, ये है स्पेशल लेथ मशीन। ये हो गया इसका मेन बोर्ड,
यहाँ पे व्हील अटैच होते हैं, ये मशीन ऐसे आती है तो व्हील अटैच होता है इसको। ये है टूल पोस्ट इसका, ये है टूल पोस्ट, यहाँ से मेजरमेंट होता है इसका। यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते पूरी मशीन को, जैसे आप देख सकते हैं अभी मशीन फिलहाल बंद है, किसी मैं आपको फुल डिटेल में दिखाऊंगा। आज मशीन अभी बंद है फिलहाल, मैं किसी दिन आपको इसको फुल किसी मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कैसे वर्क करती है, कैसे क्या करता है इसमें काम, और भी बहुत कुछ बताऊँगा आपको। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, आज आप देखें कैसे काम होता है, अपेंटिस कैसे काम करते हैं, और रेल आज शेड में कैसे काम होता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है व्हील, इनको इस मशीन से देखिए ये व्हील है, इनको इस मशीन पे लगाते हैं हम लोग इसको लगाते हैं, ये दो तब जाके पकड़ता है इसको, तब जाके ये आपको तकलीफ पड़ती है, जॉस आते हैं फिर जाके इसमें लगता है ये, फिर उस मशीन से मेजरमेंट करके इसका पूरा इंस्पेक्शन करके कितना इसको काटते, कितना हम लोग उसका डायरेक्ट काटना है, काटने के बाद ही कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और भी मैंने आपको दिखाया कैसे यहाँ पे गैस कटिंग हो रही है और आपका वेल्डिंग कैसे होती है, मैं ये सब आपको बताता रहूँगा, बस आप मेरे साथ ऐसे वीडियो पे जुड़े रहें। थैंक यू। तो द गाइस अब फाइनली छुट्टी हो चुकी मेरी, अब मैं घर जा रहा हूँ, बहुत काम होता है भाई बहुत, इतना मशीन से काम है तो इतना फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे छोड़ के जो वेल्डर हैं और जो गैस कटिंग में हैं वो जो काम करते हैं भाई, उनको तो क्या ही बोलना, बहुत तगड़ा काम करते हैं। ये धूप, क्या धूप पड़ रही, बहुत ही खतरनाक धूप पड़ रही इस समय, बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को नए वीडियो में अपना नया अपनी नए अपने रोज़ का रूटीन क्या है, अपना लाइफ मेरे साथ लाइफ साथ क्या क्या हो रहा है आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं, बताइए कि मैं आपको रोज़ नया कुछ ना कुछ नया दिखाता रहूँगा जब तक मैं हूँ यूट्यूब पे और यहाँ खड़गपुर में, तब तक मैं आपको कुछ ना कुछ नया दिखाता ही रहूँगा। बहुत ही अभी आप पीछे देख रहे होगे वहाँ वो बंदे जो काम कर रहे हैं उस पर खड़े होके, ये एक्चुअली मेन लाइन का काम कर रहे हैं, बिजली की लाइन का, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन बिछ रही है क्योंकि अभी तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन थी नहीं, शेड साइड में इलेक्ट्रिक लाइन बहुत कम होती है इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन बिछा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो इंजन को लाने में, कितना मतलब कोयला उसमें कंज्यूम होता है, कितना ईंधन उसमें लग जाता है, डीजल शेड डीजल उसमें लोको शेड लोको पर शेड में सॉरी डीजल लोको इंजन में बहुत डीजल लग जाता है उसमें, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन अब भी चाहिए यहाँ पे ताकि कम से कम खपत हो सके डीजल की, ईंधन कम से कम लगे हम लोगों का। तो बस अभी तक का तो यही था ऑफिस का, अब शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कि माता पूजा में यहाँ पर बहुत बड़ा ही फेस्टिवल, अच्छे काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा कुछ मतलब काफ़ी एक तरह से बोलते हैं ना फेस्टिवल कार्निवल मेला जैसे बोलते हैं कार्निवल मेला, वो यहाँ लगता है। शाम को मैं वो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कैसा मेला लगता है, रोज़ आपको इस रोज़ आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे वैसे भी, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा ऐसे ही यूट्यूब पर, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, यहाँ का खाने का हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए जो मैं आपके साथ रोज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। सो बाय गाइस, घर भी मिलते